नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। रविवार को जनपद ललितपुर में अलग अलग सड़क हादसों में दो व्यक्तियों की मौत का समाचार प्रकाश में आया है, तो वहीं दो गंभीर घायलों को झांसी रेफर किया गया है। आपको बताते चलें कि एक सड़क दुर्घटना में सिलगन निवासी परमाल सिंह उम्र 18 वर्ष की मौत हो गई है, तो वहीं रामदास पुत्र सौरभ उम्र 19 वर्ष निवासी सिलगन को गंभीर घायल होने पर झांसी रेफर किया गया था। वहीं दूसरे घायल का नाम सलमान पुत्र रहमान खान उम्र 22 साल निवासी सिलगन बताया जा रहा है, जिसे झांसी रेफर किया गया है। एक और घटना जनपद ललितपुर के थाना बानपुर अंतर्गत कचरौदा बांध चौकी के पास की है, जहां एक युवक की अज्ञात वाहन से मौत हो गई है, जिसकी पहचान राम बाबू पुत्र ब्रजलाल अहिरवार ग्राम गुगरवारा निवासी के रूप में हुई है। वहीं दूसरा एक्सीडेंट दैलवारा के पास मोटरसाइकिल से हुआ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार शादी समारोह में सम्मिलित होकर घर वापस लौट रहे थे। इस घटना में घायल दैलवारा निवासी 28 वर्षीय प्रकाश पुत्र नाथूराम कुशवाहा को गंभीर घायल होने पर झांसी रेफर किया गया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। तो गया थी, कहां आ रहे थे, कहां जा रहे थे? सर, ये डोंगरा गए थे गंगाजली के निमंत्रण में, वहां से वो निमंत्रण करके वापस अपने घर जा रहे थे डोंगरा। तो रास्ते में हम लोग पीछे थे, एक्सीडेंट पड़ा हुआ मिला, हम लोग सीधे उठा कर सीधे अस्पताल में लेके चले आए। कहां पर भेजे थे? बिरदा क्रॉसिंग पे। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने सीधे झांसी के लिए रेफर किया है। क्या नाम है इनका घायल? प्रकाश। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।